हाय एवरीवन, मैं हूँ सोनल और मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट परफेक्ट रेडियंस स्किन लाइटनिंग क्रीम का रिव्यू वीडियो। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है जिसपे प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी डिटेल्स मेंशन की गई हैं, जैसे कि प्राइस, एक्सपायरी डेट, इंग्रेडिएंट लिस्ट, यूज़ कैसे करना है, डिस्क्लेमर, सभी डिटेल्स मेंशन हैं, जो कि अच्छी बात है। इसका प्राइस 360 है, जिसमें आपको 50 ग्राम की प्रोडक्ट क्वान्टिटी मिलती है और इसकी सेल्फ लाइफ 24 मंथ है। और ये क्रीम ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, तो आपकी स्किन कोई सी भी हो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ये क्रीम सन प्रोटेक्शन के साथ आती है, तो इसमें आपको मिल जाता है SPF 20 एंड PA डबल प्लस, जो कि आपको सन की हार्मफुल रेज UVB एंड UVA से प्रोटेक्शन भी देती है। अगर इस क्रीम के यूजेस की बात करें तो आप इसे अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे मॉर्निंग एंड इवनिंग दोनों में यूज़ कर सकते हैं, या फिर सिर्फ डे में आप इसे एक बार यूज़ करें। बट अगर आपको इसका बेस्ट एंड विजिबल रिजल्ट चाहिए, तो आपको कम से कम इस क्रीम को 2 वीक तक कंटिन्यू यूज़ करना है, तभी आपको इसका विजिबल और इफ़ेक्टिव रिजल्ट जल्दी मिलेगा। ये इसकी इनर पैकेजिंग है, आप इसकी इनर पैकेजिंग देख सकते हैं कि काफ़ी क्यूट एंड अट्रैक्टिव है। ये क्रीम पिंक अंडर टोन के साथ आती है, जो देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव लगती है, नाइस है। अगर इसके स्मेल की बात करें तो इसकी स्मेल काफ़ी अच्छी है, माइल्ड सी स्मेल है, बट बिल्कुल भी अनोइंग नहीं है, वो थोड़ी देर के बाद फेड भी हो जाती है। क्रीम का टेक्सचर काफ़ी लाइट वेट एंड नॉन ऑयली है, जिसकी वजह से ऑयली स्किन वालों के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इसे ईजिली यूज़ कर सकते हैं। बट मैं यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आप कोई स्किन केयर क्रीम अपने लिए बाय कर रहे हैं, कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसे अच्छे से एक फेयर टेस्ट दें या फेयर चांस दें कि वो आपके लिए अच्छा वर्क करे, उसके बाद ही ये डिसाइड करें कि ये क्रीम मेरे लिए अच्छा काम करती है या नहीं। ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने ये क्रीम लगाया, मेरे लिए इस क्रीम ने अच्छा वर्क नहीं किया। कोई भी क्रीम हो, उसे अपना वर्क करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो आप भी एक फेयर चांस उस क्रीम को दें और इसे कंटिन्यू यूज़ करें। अगर इसके इंग्रेडिएंट की बात करें तो यहाँ पे इसकी इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशन की गई है, जिसमें क्लियर तौर पे लिखा गया है कि इसमें पैराबेंस हैं। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें पैराबेन वाले प्रोडक्ट नहीं पसंद होंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगी कि इस क्रीम में भी पैराबेंस हैं। ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी क्रीम है, लाइट वेट है, नॉन ऑयली नॉन ग्रीसी है, आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली ग्रीसी या चिपचिपा नहीं बनाती है, आपकी स्किन पे कंफर्टेबल है, आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड इल्यूमिनेटिंग लुक देती है, और साथ ही साथ आपकी स्किन टोन को फेयर भी करती है। तो अगर आप चाहें तो इसे एक ट्राई दे सकते हैं। अगर आप ये ऑनलाइन बाय करते हैं तो ये आपको अंडर 250 ईजिली मिल जाएगा, तो आप चाहें तो इसे ऑफलाइन भी बाय कर सकते हैं। ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कहीं से भी बाय कर सकते हैं। बट यहाँ पर मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि जब भी आप लैक्मे का कोई भी प्रोडक्ट बाय करें, तो उस पर ये साइन ज़रूर देखें, चाहे आप लैक्मे की क्रीम बाय कर रहे हों या फिर फेस पाउडर, लिपस्टिक, कोई भी प्रोडक्ट बाय कर रहे हो जो आउटर पैकेजिंग के साथ आता हो, तो उस पर ये साइन ज़रूर देखें। ये लैक्मे के प्रोडक्ट के ओरिजिनल होने का प्रूफ होता है। अगर उस प्रोडक्ट के आउटर पैकेजिंग पे ये साइन नहीं है, तो आप उस प्रोडक्ट को मत बाय करिएगा, क्योंकि आप डुप्लीकेट प्रोडक्ट के लिए ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस पे करते हैं। ओवरऑल क्रीम काफ़ी अच्छी है, आप चाहें तो इसे ट्राई दे सकते हैं। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। होप मेरे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।